हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के दिन की और देखते हैं सुबह तक की कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। चलिए, एक बार सेशन लाइव हो जाए मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं कि आज क्या क्या चीजें रहने वाली है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार से क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करिए, सो दैट रेस्ट ऑफ द पर्सन कैन ऑल्सो ज्वाइन। एक बार से मैं भी क्लास के लिंक को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं दे जस्ट वेट कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में हम क्लास में जाएंगे, ऐसा फील करते रहते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, इट्स डन। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो मैं क्या कह रही हूँ रोहित, मेरा कहना ये है कि राजस्थान का जो माहौल है ना, वो थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, राइट। तो एक काम करो, कल से अगर तुम अपनी बहन के साथ में कहीं बाहर जाओ तो अपना आधार कार्ड लेके जाना, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग एंटोनियो, आशीष, निशा, श्याम मोहन मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, अच्छा, शुरुआत करते हैं आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिट्टू, प्रफुल्ल, विकास, संदीप, रोहिणी, चंदन, प्रलव, गुंजन, थर्ड सेमेस्टर, राजन, वेरी गुड मॉर्निंग। और हाँ, आज जितने भी बच्चों का फेज 9 का एग्जाम है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइएगा, पेपर अच्छा ही होगा। अगर आपने पूरे साल भर मेहनत करी है तो पेपर ऑब्वियसली बात है कि अच्छा ही होगा, ठीक है। सेकेंडली, पूरे क्लास का जो सिनारियो होता है वो एक बार से आपको बता देते हैं यहाँ पर। गुंजन, रौनक, लुइस, AK47, रितिका, स्वास्तिकी, स्वास्तिकी नाइस नेम, ओके, अशोक, उद्दम, हर्षिता, वैसे नाम तो सभी के अच्छे होते हैं ना, नाम तो AK47 का भी अच्छा है, देख रहा, मतलब एक फील है उसके नाम में, ओके। सबसे पहली चीज, पूरे सेशन में आपको सबसे पहले मिलेगी न्यूज़, न्यूज़ के बाद में होगी एनालिसिस, उसके बाद में जहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट, जहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ज़रूरत होगी वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बस फोकस ये करिएगा कि एनालिसिस के पार्ट पे जितनी भी बातें हम आपको लिख के बताएंगे, कोशिश किया करिए कि आप उसको क्लास के साथ साथ में लिख लिया करिए, ठीक है। चलिए, कितने लोगों को भैया मज़ा आ रही है इस वाले क्लास में, और जो ऐसे हैं जो क्लास कर ही नहीं रहे तो उनको मजा भी कहाँ से आएगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोगों के लिए वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। हिटलर यहाँ पे अपनी कहानी सुनाने नहीं आएंगे, कहानी हम ही को सुनानी पड़ेगी। तो हिटलर की एंट्री हो चुकी है, आज हिटलर की लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 10:15 बजे ऑन अन अकेडमी। फ्री क्लास चल रहा है, थ्योरी सेशन है। सेकेंडली, आज दोपहर में 1:30 बजे जो आपका क्लास है, लूसेंट के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको करा रहे हैं। अभी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री खत्म होगी, उसके बाद में साइंस या पॉलिटी या जियो कुछ ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखिएगा कि शाम को 4 बजे का जो क्लास होता है ऑन अन अकेडमी, वो होता है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, जो कि आपके रेलवे, SSC और लेखपाल, इन सभी एग्जाम्स को कवर करता है, ठीक है। CR, मलाइका, मिष्टु, प्रदीप, सोनाली, राजबंसी, बंगाली बेबी, ओके, मलाइका, अजय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, ईशा, रतन, निवेश, नितु, दीपन, ऑल राइट, चलिए, रोहित, गुड मॉर्निंग टू ऑल, मनप्रीत, गुड मॉर्निंग, संदीप, गुड मॉर्निंग, ओके। तो चलते हैं भैया, शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज के दिन की। लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना क्या, लंबी हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़िए, अपने सपनों का वास्ता ना छोड़िए, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, कदम कदम पे मुश्किलें होंगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जीत हमेशा उसी की होती है जो कभी क्या नहीं करता है, ऑब्वियसली बात है कि झुकता नहीं है। आपने सुना होगा APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कासल है, आपका जो महल है, वो आसमानों पे बने, तो ज़रूरी है कि उसके लिए काम आपको ज़मीन से करना पड़ेगा। तो बस लाइफ में इसी चीज़ को आगे लेते चलना है, क्योंकि भाई दिस इज़ अ जर्नी और ये एक रेस है। अगर आप एक बार भी कहीं पर रुक गए तो लोग सिर्फ आपको धक्का मार के किनारे करेंगे, तुम्हें साथ लेके कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो महोत्सव तुम मना रहे हो, इस महोत्सव को करो बंद और पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के साथ में। केडी, भूपेंद्र, अमर, विशाल, धीरज, पिंकी, पीहू, अमर, मौसमी, मोहिनी, खुशबू, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, यो यो राणा, ओए होए, रिंकी, गुलशन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यूज़ से, और सबसे पहले न्यूज़ ही यहाँ पर किसके बारे में है, कोरोना काल के बारे में है। आइए ज़रा बात करते हैं।
सिंगल डोज स्प्यूटनिक लाइट वैक्सीन, इसको हमारे देश के अंदर अप्रूवल दे दिया गया है। क्या नाम है इसका? स्प्यूटनिक लाइट। तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि स्प्यूटनिक नाम की जो वैक्सीन है ये एक्चुअल में कौन सी कंट्री ने डेवलप करी। तो इसका सिंपल आंसर बनेगा, रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया। अगर हम स्प्यूटनिक की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है वैक्सीन। चाइना ने देखो सबसे पहले क्या बनाया, वैसे कहा तो यही जाता है कि वायरस जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ, जिसका नाम क्या है? कोविड। और ये जो कोविड है ये इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्राउन शेप्ड होता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? वुहान से होती है। अभी हाल ही में आपने देखा था ओमिक्रॉन के बारे में, ओमिक्रॉन जो है ये वो वाला वेरिएंट है जिसके सबसे पहले जो केसेस हैं वो कहाँ पे पाए गए थे? साउथ अफ्रीका के अंदर और बोत्सवाना के अंदर ये पाया गया था। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट कौन सी कंट्री का बताया गया था, तो ये हमारे प्यारे भारत का बताया गया था, यानी कि इंडिया का बताया गया था। सवाल, अभी हाल ही में ओमिक्रॉन और डेल्टा का जो कॉम्बिनेशन आया है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट से। अच्छा, अब एक पॉइंट और, स्प्यूटनिक जो है ये पूरी दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी जिसको अप्रूवल दिया गया, और इसी के साथ में पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली वो कंट्री जिसने क्या किया, एनिमल्स के लिए वैक्सीन को डेवलप किया, वो भी कौन हो जाएगी? वो भी रहेगी रशिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए जरा इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चलो आंसर बताएं। ओके, बता लिए, हाय हाय, बहुत तेज हो गए आजकल तुम लोग। आइए जरा जानते हैं। सुनिए, एनालिसिस के पार्ट पे सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। ठीक है, और इनके द्वारा कहा गया है कि हम यहाँ पर एक और वैक्सीन को अप्रूवल दे रहे हैं इंडिया के अंदर। वैक्सीन का नाम क्या है? स्प्यूटनिक इस वैक्सीन का नाम है। ओके फाइन, लेकिन ये जो स्प्यूटनिक है ये स्प्यूटनिक 5 नहीं है, ये क्या है? स्प्यूटनिक लाइट है। क्या नाम है इसका? स्प्यूटनिक लाइट इसका नाम है। एंड सबसे खास बात यह है कि ये क्या है? सिंगल डोज है। क्या है ये? सिंगल डोज है। ओके, अब आप कहोगे कि मैम अगर ये सिंगल डोज है और इसका नाम स्प्यूटनिक लाइट है तो ये बताइए इसको अप्लाई करने के बाद में इंडिया के अंदर टोटल कितनी वैक्सीन्स हो गई हैं जिनको अप्रूवल मिला है? तो इंडिया के अंदर अब अप्रूव्ड वैक्सीन्स जो हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? टोटल 9 हो गई। कितनी? 9। हमारे देश के अंदर जो सबसे पहली वैक्सीन थी जिसको अप्रूवल दिया गया था वो कौन सी थी? वो थी कोविडशील्ड। ये ध्यान रखिएगा कि जो कोविडशील्ड थी ये एक्टिव वैक्सीन थी। क्या थी ये? एक्टिव वैक्सीन थी। और इसको डेवलप किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था। और ये है कहाँ पर? पुणे के अंदर आपको ये मिलेगा। इसके हेड कौन है? वो है साइरस पुणे वाला, और इनके जो बेटे हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड हैं, जिनका नाम क्या है? आदार पुणे वाला। अब आप कहेंगे कि मैम एक बात बताइए, इसको अप्रूवल कब मिला? अब आप तो जानते ही हैं कि कुछ लोग ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं कि कोविड की वजह से सबसे पहली डेथ कौन सी तारीख को कौन से समय पर हुई। तो भैया एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि ये वाला जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल कौन सी डेट को मिला है, तो वो 6 फेब 2022 को ये अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, पेपर में आपसे डेट जो है वो पूछी जा सकती है। ओके, कृष्णा तोवर, मानवी गोवर्धन, वंशिका, सुष्मिता गरिक। ओके, ये तो बातें देखो हो गई। अब इसमें एक बात समझना, सिंगल डोज ये हुई कैसे? सवाल तो यहाँ खड़ा है। सुनिए, एक्चुअल में ये सिंगल डोज इसलिए हो गई क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन यहाँ पे बनाई गई है ये स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जो दो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे तैयार किया गया है, और इस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है स्प्यूटनिक लाइट। बात समझे? दो वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, दोनों डोजेस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्प्यूटनिक लाइट। और इसकी क्या हो गई? सिंगल डोज है। अरे सिंपल सी बात है, जब क्या बनाते हो? कॉकटेल। कॉकटेल में क्या करते हैं? देखा होगा आपने, थोड़ा सा वोडका है ना, और थोड़ा सा क्या हो गया उसमें, लाइक कोई भी ऑरेंज जूस वगैरह मिलाते हैं, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। अब यही जो कॉम्बिनेशन निकल के आया है बस उसी को यहाँ पे क्या कह दिया गया? यहाँ पर स्प्यूटनिक लाइट का नाम दिया गया। चलिए आइए जरा आगे चलते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए
करेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि ये जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की मैंने आपसे बात करी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये काम करता है। अब यहाँ से ज़रा जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नाम वाम, ठीक है। पहला देखो क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इनके द्वारा बनाया गया किसको, कॉर्बोवैक्स को। कई बार सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है और ये कहाँ पर है, ये आपको हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइएगा, अगला यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, ज़ाइकोवडी। ज़ाइकोवडी ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना 3 डोज वैक्सीन है। क्या है, 3 डोज वैक्सीन है और ये डीएनए बेस्ड है, और अभी हाल ही में बच्चों के लिए इसको अप्रूवल दिया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था, कैंजिला के द्वारा इसको बनाया गया है। कंपनी का नाम क्या है, कैंजिला कंपनी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगला है मॉडर्मा। ये हमारी कंट्री की नहीं है, ये हमारी कंट्री की नहीं है, इसको बनाया गया है यहाँ पे किसके द्वारा, स्पाइक वैक्स के द्वारा, और ये डेवलप करी गई, तो इसके अंदर यूके भी शामिल था, जर्मनी भी शामिल था और साथ में यूएसए भी शामिल था, हमारी किसी काम की है नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्प्यूटनिक वी, ये किसने बनाई है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको डेवलप किया है किसने, रशिया ने, और रशिया के अंदर भी कौन सी कंपनी है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गैमलिया कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, अभी आज आगे आ रहे हैं बोरिस जॉनसन, सुनिए, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर जो वैक्सीन डेवलप करी, इसका यहाँ पर नाम आपको नजर आ ही रहा है, इसका नाम क्या रखा गया है, AD26.COV2.S। आपको याद नहीं करना है, बस बैक ऑफ द माइंड में इसको कहीं रखना कि अच्छा ऐसा भी कुछ था, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ पे जो कोविड शील्ड है ना, हमारे यहाँ पर जो कोविड शील्ड है वो ध्यान रखिएगा कि वो इंडिजिनस नहीं है, उसको हमने अकेले नहीं बनाया, उसको किसके साथ में मिलके बनाया था, ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलके बनाया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कोवैक्सीन, तो जो कोवैक्सीन है ये ध्यान रखना कि वो हमारे देश की सबसे पहली खुद से बनाई गई वैक्सीन है। कौन सी, कोवैक्सीन, ठीक है। वो बनाई किसने है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ आपको मिलेगा, हैदराबाद के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट, ये मैंने आपको बता ही दिया। सीरम इंस्टीट्यूट से याद रखिएगा कि ये जो साइरस पुणे वाला है, इनको अभी हाल ही में पद्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और इसके अलावा लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है उससे भी इनको सम्मानित किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगला सुनिएगा, भारत बायोटेक कोवैक्सीन को यहाँ पर डेवलप किया गया। ओके, अब गाना नहीं गाएंगे, जान सी महबूबा होगी। सुनो भैया, ये कौन है, ये है क्वीन, कौन, एलिजाबेथ। मैम ये न्यूज में क्यों आ गई, हाँ भैया न्यूज में आ गई। सुनिए, ये जो आपको यहाँ पर क्वीन नजर आ रही हैं, इनके ऊपर एक खास बात क्या है, वो ये है कि इनको हो गए हैं 70 साल पूरे, और पूरे इतिहास में शी इज द ओनली वन जिन्होंने 70 साल पूरे किए हैं क्वीन के रूप में। तो आइए जरा चलते हैं इनके बारे में कुछ बातें। पहला सवाल, कहा जा रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ टू जो हैं, ये सबसे पहली ब्रिटिश मोनार्क बनी हैं जिन्होंने टोटल कितने साल पूरे किए, कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर करके। टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे टू यू। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा, 70 ईयर्स। अब सुनो, मोनार्क क्या होता है, पहले तो हम ये जानते हैं, ठीक है। सुनिए, मोनार्क या फिर मोनार्की, इसका मतलब होता है कि एक कोई ऐसा देश, एक कोई ऐसी कंट्री जहां पर क्या होता है, किंग हो या फिर क्वीन हो, और वहां पर क्या होगा, एक पूरा सिस्टम होगा जहां पर आपको पूरी की पूरी एक किंगडम देखने को मिलती है, पूरा एक साम्राज्य देखने को मिलता है। ब्रिटेन का आप जानते हैं कि यहाँ पे मोनार्की सिस्टम भी आपको मिलता है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आपको मिलता है। मोनार्की सिस्टम से मतलब है कि यहाँ पे क्वीन भी आपको मिलती हैं, और पार्लियामेंट्री सिस्टम से मतलब है यहाँ पे आपको पीएम भी देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा इनके बारे में कुछ बातें करते हैं। ये देखिए, जब ये बनी थी क्वीन कितनी खूबसूरत, और अभी के टाइम पे भी कितनी खूबसूरत, कोई बदलाव नहीं आया है। इसी को कहते हैं क्या, यूनाइटेड किंगडम। आइए जानते हैं, सुनिए, एक्चुअल में क्या है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं यूके की, तो यूके क्या है, एक मोनार्क कंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। हुआ क्या था, यहाँ पे किंग थे जिनका नाम था जॉर्ज VI। किंग का नाम क्या था, जॉर्ज VI।
इनकी वाइफ थी कौन, एलिजाबेथ टू। इनकी वाइफ कौन थी, एलिजाबेथ टू इनकी वाइफ थी, ठीक है। इनके जो बेटे थे, इनके बेटे का नाम क्या था, प्रिंस चार्ल्स। इनके बेटे का नाम क्या था, प्रिंस चार्ल्स। आपने देखा होगा काफ़ी बार इनके बारे में चीज़ें आती रहती हैं। अभी हाल ही में नाइटहुड की जब उपाधि दी गई थी तो भी इनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर हुई थी, ठीक है। इनका बेटा कौन था, प्रिंस चार्ल्स। अच्छा, इनकी शादी किससे हुई, डायना हेडन। आपने ये नाम भी सुना होगा, क्या नाम था, डायना हेडन। लेकिन डायना हेडन जो थी, इनकी डेथ हो जाती है पेरिस के अंदर 1997 में, और ये आज तक एक राज है कि इनकी जो डेथ हुई थी वो कार एक्सीडेंट था या कार एक्सीडेंट कराया गया था, ये आज तक नहीं पता, ठीक है। डायना हेडन इनकी वाइफ थी। उसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई तो इन्होंने दूसरी शादी करी, किसके साथ में, कैमिला के साथ में। किसके साथ, कैमिला के साथ। मैम क्यों इतनी पूरी कहानी बता रही हैं, हमारे किसी काम की है। जी हाँ, सुनिएगा। एक्चुअल में क्या है कि ये जो आपको किंग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर किंग के रूप में यही काम करते थे। लेकिन 6 फरवरी 1952 को इनकी हो जाती है डेथ, और इनकी डेथ होने के बाद में कौन यहाँ पे बनती हैं क्वीन, एलिजाबेथ टू यहाँ पर क्वीन बनती हैं। तारीख क्या है, तारीख यही सेम तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो तब से लेके अभी तक, तब से लेकर अभी तक ये कहाँ बैठी हुई हैं, क्वीन की कुर्सी पे बैठी हुई हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब ये टाटा बाय बाय करेंगे इस दुनिया को, जब ये टाटा बाय बाय करेंगे इस दुनिया को, तो इनकी जगह पे कौन आएंगी, कैमिला आएंगी। इनकी जगह पे कौन आएंगी, कैमिला। क्यों, क्योंकि डायना हेडन की तो डेथ हो गई, अब इनकी वाइफ कौन है, ये है, तो क्वीन कौन बनेगी, ये बनेगी, समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा मैम एक बात और बताओ, ये लोग रहते कहाँ पर हैं। आपने नाम सुना होगा बर्किंघम पैलेस का, ये वो पैलेस है जहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा शाही खानदान देखने को मिलता है। जहाँ पर आप देखेंगे तो इनके दो बेटे भी हैं, आपने नाम भी सुना होगा, और अभी हाल ही में उन्हीं बेटों के द्वारा नाइटहुड की जो उपाधियाँ हैं ये भी दी गई हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगी किसको दी गई है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर आपको मिल रही है, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं इस न्यूज़ के दूसरे पार्ट पे। लेकिन न्यूज के दूसरे पार्ट पे चलने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ, यूके, यूके के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, यूके के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, बताना तो एक बारी से बेटा। वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता है, वहां पे प्रेसिडेंट नहीं होता है, बताइए। अगर मैंने आपसे बोला कि यूके के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, क्या बोलोगे? देखो यूके के अंदर कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो स्कॉटलैंड आएगा, उसके बाद में वेल्स आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लैंड हो जाएगा, और अगला क्या बनेगा, नॉर्थ आयरलैंड आपको मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इन्हीं सब जगह को मिला के आप क्या कहते हो, यूके कहते हो। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो G7 की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था, अभी हाल ही में COP26 का जो आयोजन है वो भी किया गया था, कहाँ पर, ग्लासगो के अंदर, जो किसकी क्या थी, कैपिटल थी। अगला पॉइंट, यहीं पर इंग्लैंड लिखा हुआ है, इंग्लैंड के अंदर क्या है आपको मालूम है ना, बर्किंघम, अभी मैंने आपको बोला यहीं पे मिलेगी आपको जगह जिसका नाम है बर्किंघम, वहां पे क्या होगा, कॉमनवेल्थ जो गेम्स होने हैं 2022 वाले, इनका आयोजन किया जाएगा। अगर तुमसे पूछा गया कि अच्छा ये बताओ कि जो यूके है, यहाँ पे आपको यूके लिखा हुआ नजर आ रहा है, यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी स्ट्रेट आती है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर मिलेगी। अगर कहा गया कि इसके बगल में आपको कौन सा चैनल मिलता है, तो इंग्लिश चैनल आपको मिलेगा, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसी जगह पे आपको नॉर्थ सी की लोकेशन भी देखने को मिलती है। आओ जरा चलते हैं थोड़ा सा इस न्यूज के अगले हिस्से पे। लेकिन यहीं पे मुझे ये बताओ कि अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेट प्लेयर जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, एक तो देखो वो है जो गाड़ी को चलाते नहीं उड़ाते हैं, जिनका नाम क्या है, लुइस हैमिल्टन। दूसरा नाम जो कि वेस्ट इंडीज की टीम के कैप्टन रह चुके हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए, उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। आरती शाह, अरे वाह गजब, सोनाली संदीप, ठीक है चलिए। तो यहां पर आप मुझे उनका नाम लिख के बताओ, क्लाइव, क्लाइव से तो ऐसे मतलब कुछ भी क्लाइव हो जाएगी, क्लाइव लेऑज, एग्जैक्टली। देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, आजकल यूके थोड़ा नाराज है, कितने लोगों के ये फेवरेट है, ये है हमारे प्यारे बोरिस जॉनसन, क्या है, दिस इज बोरिस जॉनसन। आइए, गुस्सा देख रहे हैं बंदे का, छोटी मोटी बात ना, गुस्से में चाइना को वार्निंग दे रहे हैं, चाइना को वार्निंग दे रहे हैं, जी हाँ। आइए जरा बताते हैं कि हो क्या रहा है।
एक्चुअल में क्या है कि जब ये यूके की न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, ये क्वीन वाली, तो वहीं पर एक आर्टिकल मुझे दिखाई दिया, तो मैंने सोचा चलो ये बता देते हैं। सुनिए, आजकल क्या हो रहा है कि ये आपको साउथ अमेरिका नज़र आ रहा है। साउथ अमेरिका में यहाँ नीचे के साइड पे देखोगे एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड। ये जो आइलैंड है इसको रूल करता है कौन? यूके। कौन इसको रूल करता है? यूके इसको रूल करता है, ठीक है। चाइना जो है वो क्या कर रहा है, आजकल बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है किसमें? फॉकलैंड आइलैंड में। क्यों ऐसा क्यों? सुनिए, इसका रीजन है, अभी आपने देखा कि चाइना के अंदर जब विंटर ओलंपिक्स की बात आई तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इनको बायकॉट किया, लेकिन यहीं पर अर्जेंटीना वो कंट्री थी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। अर्जेंटीना ने सपोर्ट किया क्यों? अर्जेंटीना का ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉफिट होगा। अर्जेंटीना ने चाइना को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर आ चुकी है बहुत बुरी तरीके से मंदी, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, तो अर्जेंटीना को चाहिए था पैसा, तो अर्जेंटीना क्या कर रहा है, चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अब अर्जेंटीना कहां से पिक्चर में आ गया, सुनिएगा। ये जो फॉकलैंड आइलैंड आप देख रहे हो, इसके ऊपर हमेशा विवाद रहता है, किसका? किसका? यूके का, किसके साथ में? अर्जेंटीना के साथ में। अर्जेंटीना ने कई बार अपनी सेनाएं भी यहाँ पे भेजी हैं, लेकिन हर बार यूके जो है वो इनको मार के भगा देता है। अब कल के अखबार में जो आर्टिकल आया उसमें बताया गया है कि जो अर्जेंटीना है वो चाइना का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और चाइना ने अपना एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसके अंदर चाइना ने बोला है तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब यहाँ पे चाइना ने अर्जेंटीना को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और बोला है कि अगर इस आइलैंड के ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तो आई एम हेयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। इससे कहते हैं असली वाला प्रॉमिस डे, समझ गए? बहुत देर से किसी का मैसेज आ रहा था तो मैंने सोचा मैं बता दूं कि असली वाला प्रॉमिस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 कहाँ पर होगा? कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हो ना, स्पीचलेस हो जाते हैं, समझ गए? तो इसे कहते हैं असली वाला प्रॉमिस। तो अब इन्होंने ये बात कह दी है, खैर अभी देखो आगे इसके ऊपर जब कुछ आएगा तब का तब जानेंगे। आइए जरा कुछ बातें और कर लेते हैं। यहाँ पे जब अर्जेंटीना की बात आ ही गई है, अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका मैंने लिख ही दिया है तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो जाएगी? ब्राजील हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना है। मैंने आपको बताया था मैराडोना का नाम, ये जो मैराडोना है ये फुटबॉल के प्लेयर थे और अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। अगला नाम आएगा मेसी का, मेसी जो है वो भी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, और मेसी जो है ये प्रेजेंट टाइम में पेरिस क्लब के लिए खेल रहे हैं और इनको बैलन ओ डियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 7 बार इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए पेम्पास के घास के मैदान, बहुत बार पूछा जाता है पेम्पास ग्रासलैंड, तो ये आपको इन्हीं दोनों प्लेसेस पर देखने को मिलेगा। अगर तुमसे कहा गया कि फॉकलैंड आइलैंड जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपने अभी देखा ये आपको अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा और इसको रूल कौन करता है? यूके इसको रूल करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है ये, लेकिन इसके ऊपर रूल कौन करता है? तो डेनमार्क जो है वो इसके ऊपर रूल करता है, लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बगल में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, समझ गए? तो इतनी बातें जो हैं वो आपको यहाँ से याद रखनी है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, अगली वाली न्यूज़। एक और चांसी महबूबा आ रही है तुम्हारे सामने, बच के रहियो। ये कौन है? ये है ढोल। कौन है? ढोल। ये ढोल क्या होता है? मैं देख रहे हो ये ऐसे कुछ जंगली डॉग टाइप के आपको नजर आ रहे होंगे, है ना? तो आइए जरा इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, टोटल 30 सालों के बाद ये जो ढोल हैं ये एक बार फिर से देखे गए हैं और IUCN की लिस्ट के अंदर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। आप कोई भी एग्जाम दोगे, एनवायरनमेंट का जब सवाल बनेगा तो वहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आइए जरा जाने स्टेटमेंट क्या है। देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है किर्गिस्तान, पहले बता लिया आशीष। चलो सुनो, अरे भाई हमको नहीं पता कौन सा डे है। कोपा अमेरिका कप इज ऑल्सो वॉन बाय द अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। सुनिए ढोल क्या लिखा हुआ है कि ढोल जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये कार्निवोरस होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि ये मैमिलिया क्लास के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखा है कि एशियन डॉग्स होते हैं,
ना गलत है, ये एशियन डॉग्स नहीं होते हैं, बल्कि ये एशियन वाइल्ड डॉग होते हैं, ये जंगली कुत्ते होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आइए जरा जानते हैं कि ये जो आपने शक्ल देखी है, इस शक्ल के बारे में कुछ बातें। देखो एक्चुअल में क्या है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है ढोल, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। यानी कि जंगलों में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपको ऐसे डॉग्स वगैरह देखने को मिलते, ये सियार नहीं है, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा ये सियार है, दिस इज नॉट सियार, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वाइल्ड डॉग्स होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ कि कल यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर बताया गया कि सेंट्रल एशिया का जो हिस्सा है वहाँ पर आपको क्या मिलता है, किर्गिस्तान की लोकेशन मिलती है। यहाँ पर 30 सालों के बाद में जो ढोल हैं इनको देखा गया है। कौन सी लोकेशन है वो, वहाँ पर आपको पामीर नॉट की लोकेशन देखने को मिलती है, और ये जो पामीर नॉट मैंने लिखा है इसी को हम क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड बेटा मैंने लिखा है, यहाँ से दो पहाड़ियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो पहाड़ियाँ निकलती हैं, एक ऐसे एक ऐसे, ये क्या है हिंदू कुश, ये क्या है हिंदू कुश माउंटेन, कहाँ जाता है अफगानिस्तान में जाता है, ये कौन सा है, ये है कुनलुन माउंटेन, और ये कहाँ जाता है चाइना के अंदर जाता है। अच्छा सुनो, कल है सुपर वेडनेसडे, ठीक है, और कल सुपर वेडनेसडे को एशिया का मैप हम पढ़ाएंगे शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे, तो ये ध्यान रखिएगा हिंदू कुश और कुनलुन ये दोनों निकलते हैं कहाँ से, पामीर नॉट से। अब आप कहेंगे कि मैम इतना खास मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ है क्या, सुनो एक्चुअल में क्या है कि ये यहाँ पर 30 सालों के बाद पाए गए हैं, और IUCN के लिस्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें जो कि 1972 में बना हमारे देश के अंदर, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शेड्यूल 1 में नहीं शेड्यूल 2 में आते हैं। सवाल तुमसे पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि कौन से शेड्यूल में आते हैं, आप क्या बोलेंगे शेड्यूल 1 मार्क कर क्या हो गए, आंसर क्या होगा शेड्यूल 2 के अंदर ये दिए गए, ठीक है। अच्छा इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इंडिया में गिनती की 3 या 4 स्टेट्स हैं जहां पर आपको ये मिलेगा, जैसे कि कर्नाटका है, MP है और महाराष्ट्र है। अब आधे कहेंगे मैम हमारे घर के बगल में हमारे घर के सामने भी पाया जाता है, बेटा ये वो वाले वाइल्ड डॉग नहीं है, ठीक है, पता चला कह दो कि ये तो हमारे घर के सामने भी पाए जाते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। वैसे अगर आप देखें तो इंडिया में ये वेस्टर्न घाट की लोकेशन पे और नॉर्थ ईस्ट में आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए जरा अब इनकी शक्ल देख ले, ओए होए कितना क्यूट सी पाई से लग रहा है ना, चलो अच्छा क्यूट लग रहा है, वैसे शादी लायक तो लग ही रहा है कम से कम, है ना। चलो अब आते हैं देखो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की लोकेशन की अगर आप बात करो तो आप इस मैप को देखोगे तो ये वही 5 देश हैं जिनको इस बार हमारे यहाँ पे 26 जनवरी को एज ए चीफ गेस्ट आना था, लेकिन ये नहीं आए। लेकिन जब चाइना ने इनको बुलाया तो ये लोग तुरंत से मुंह उठा के चले गए, कहाँ पे, बीजिंग ओलंपिक्स की शुरुआत में, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में। चलिए अब जरा जानते हैं, बताना IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये वही है जिसने अभी हाल ही में अरावली के अंदर जो बायोडायवर्सिटी पार्क है, कहां पर ये आपको मिलेगा, गुरुग्राम के अंदर, उसको अभी हाल ही में क्या किया है, कंजर्व करने के लिए बोला है। अफ्रीकन चीते ये IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इंडियन चीतों की बात करी जाएगी तो वो इंडेंजर्ड में आएंगे। अफ्रीकन चीतों को भारत में लाया जाएगा कुनू नेशनल पार्क में, जो कि MP के अंदर लोकेटेड है। अगला पक्के टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको मिलेगा, और यहीं पे ध्यान रखना नामदफा नेशनल पार्क भी है। नामदफा नेशनल पार्क में फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, और अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये फ्लाइंग स्क्वायरल उत्तराखंड के अंदर पाई गई थी। नेक्स्ट सुनिए, बताइए बुक्सा टाइगर रिजर्व, आप सभी लोग जानते हैं कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको ये मिलेगा। मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो आपको कहाँ मिलेगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा। अगला सुनिएगा, इससे भी ज़्यादा अच्छे से क्या लिखेंगे बेटा,
मुझे तो लगता है कि शायद जितना बेहतर हम लिखते हैं उतना बेहतर तो तुम लोगों ने भी नहीं लिखा होगा कभी अपने नोट्स में। खैर, सैंडलवुड की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कर्नाटका में पाए जाते हैं और आंध्रा के अंदर ये पाए जाते हैं। अभी हाल ही में IUCN ने इनका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज किया है और इनको इंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। कभी कभी हमको लगता है कि तुम लोग की कॉपी वॉपी हम ही मंगा लें और हम ही लिख दिया करें, है? चलो अगला सवाल, T into 2 अवार्ड किसको दिया गया है? सत्यमंगलम, हाँ, शुभ मंगलम। क्या नाम है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पर ये लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है। अच्छा, पिछला वाला किसको दिया गया था? पीलीभीत को। किसको दिया गया था? पीलीभीत को दिया गया था। और ये कहाँ है? यूपी के अंदर लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, हंगुल कहाँ पे पाए जाते हैं? हंगुल कहाँ पर पाए जाते हैं? हंगुल क्या होता है? इसे हम कहते हैं कश्मीरी स्टैग। क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्टैग बोलते हैं। ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अभी आगे जम्मू के ऊपर भी न्यूज़ है। एंटीलोप्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लद्दाख के अंदर। ठीक है, लद्दाख में क्या मिलेगा आपको? हेमीज नेशनल पार्क। अगला, नीलगिरी ताहर कहाँ पे मिलेंगे? तो ये आपको केरला के अंदर मिलेगा और साथ में तमिलनाडु के अंदर मिलेगा। और नीलगिरी ताहर जो है ये स्टेट एनिमल है। कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। समझ गए? तो इतनी बातें जो हैं वो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ में। समझ गए? अच्छा, आ जाओ भैया, चलें फिर तुमको लेके अगली न्यूज़। नया मैप ड्रॉ हो सकता है। नया मैप ड्रॉ हो सकता है। नया मैप ड्रॉ होने से मतलब यहाँ पर यह है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, इनके अंदर बदलाव किया जा सकता है। आप कहेंगे कि मैम ये कौन सा वाला लॉ आ रहा है, तो आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है डीलिमिटेशन लॉ। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत का इनमें से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, स्नो लेपर्ड लद्दाख के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है के शर्मा, कृष्णा निहारिका, गुड। सुनो, डीलिमिटेशन के लिए अभी हाल ही में एक कमिटी बनाई गई है और इस कमिटी को हेड कौन कर रहे हैं? रंजना प्रकाश जी के द्वारा हेड किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक ऐसा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या करेगा, जो कि यहाँ पर कुछ सीटों में बदलाव करने वाला है। मैंने आपको 3 दिन पहले ये बात बताई थी कि अगर इसके ऊपर कुछ होगा तो नज़रें बना के रखिएगा, आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर। आइए ज़रा जानते हैं कि हुआ क्या। सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि पहले ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 2019 आते आते इसे क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर एक कानून है जिसे हम कहते हैं डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? 2002 में इसको बनाया गया था। ये क्या करता है? ये बताता है कि किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर जो नंबर ऑफ सीटें होंगी जहां से चुनाव लड़े जाएंगे वो कितने होंगे। नंबर ऑफ सीटें जो होंगी जहां से चुनाव लड़े जाएंगे वो कितने होंगे, ये यहाँ पर बताया जाता है इसके द्वारा। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ यहाँ पर ये कि ये आप मैप देख सकते हो, यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि हमने एक कमिटी बनाई है। ठीक है, हमने एक कमिटी बनाई है और उस कमिटी के जो हेड बनाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं, जिनका नाम क्या है? रंजना प्रकाश, उनको हमने कमिटी के हेड के रूप में बैठा दिया है। अब उस कमिटी ने बोला है कि अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जिनके ऊपर चुनाव होना था वो था 87। अब इस कमेटी ने यहाँ पर क्या बोला है? इस कमेटी ने बोला है कि भैया इसके अंदर 7 और सीटें जोड़ देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? 7 और सीटें जोड़ देनी चाहिए। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ से ये बोला गया है कि अगर हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला दें, अगर हम सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला दें तो श्री वैष्णो माता की जय। सभी लोग उनको पता ही है कि वैष्णो देवी टेम्पल यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर वैष्णो देवी माता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब उनका वाला जो क्षेत्र है वहाँ से जो सीट आती है,
उस सीट को अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अच्छा मैम, ये जो डीलिमिटेशन की कहानी चल रही है, इसके हिसाब से लोकसभा सीटें जो यहाँ से जाती हैं वो कितनी है? देखिए यहाँ पे यूटी के अंदर तो सीटें इतनी हैं, और अगर हम लोकसभा की बात करें तो 5 सीटें हैं, तो इनमें भी बदलाव किया जाएगा। जी हाँ, इनके अंदर भी बदलाव किया जाएगा, तो जब बदलाव होगा हम तब का तब जानेंगे। बस अभी ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। अच्छा मैम, डीलिमिटेशन लॉ या फिर जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 82 के अंदर, जिसके अंदर संसद के अंदर जो सीटें हैं वो कितनी होंगी वो डिसाइड करेगा। और अगर मैं आपसे राज्यों की बात करूँ, अगर मैं आपसे स्टेट की बात करूं, तो स्टेट के अंदर यही पर्टिकुलर लॉ जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल नंबर 170 के अंदर दिया गया है। अगर मैं आपसे ये भी यहाँ पे पूछ लूं, फॉर एग्जांपल, कि ये जो सारा बदलाव किया जाएगा ये बदलाव कौन से कानून में होगा, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्यों, ये क्यों बनाया गया बेटा? यही तो बना था, तभी तो इसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। और तारीख क्या थी? 5 अगस्त वो तारीख थी जब यहाँ से आर्टिकल नंबर 370 और आर्टिकल नंबर 35A के कुछ क्लॉजेस को हटाया गया था। अब आप कहेंगे कि मैम एक चीज़ बताइए, है ना, मिशू करेक्ट है बच्चा। अब आप कहेंगे मैम एक चीज़ बताओ, ये जो डीलिमिटेशन लॉ है क्या इसका कोई दूसरा नाम है? मुझे नहीं पता, तुम बताओगे? ये है आज का बॉम्ब सवाल। बस ये ध्यान रखना कि ये क्या करता है, ये बाउंड्री डिसाइड करता है। बाउंड्री किस चीज़ की? कि भैया हमारा जो हिस्सा है वो इतना हिस्सा है, अब इसी में सीटों का विभाजन कर लो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, आज का बॉम्ब सवाल, आंसर करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो अब आते हैं और चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तुमको थोड़ी सैर कराते हैं। पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि ये बताइए कोहिनूर डायमंड जो है वो रणजीत सिंह जी को किसके द्वारा दिया गया था? सोनाली करेक्ट है। अनिष्का कहाँ रह गए? शीतल, अरे भाई कहाँ रह गए, नहीं बता पाए, नहीं बता पा रहे हो? हम नहीं बता पा रहे हैं, आज तो नहीं बता पाएंगे। इसको बोला जाता है, लिख लो, अच्छा इसको कहा जाता है बाउंड्री कमीशन, ठीक है। अगर कोई कभी देखो, कभी कभी ये ऐसे वाले बॉम्ब वाले सवाल तुमको छोड़ने चाहिए। कोई अगर तुम्हारे सामने वाला अपने आप को बहुत हीरो बन रहा, बहुत हीरो बन रहा, अरे मेरे को तो सब आता है, अगला पीएम मैं ही हूं, अगर कोई भी ऐसा किया करे तो बस वहां पे सीधे ये वाले सवाल पूछ लिया करो, ठीक है। इसीलिए तुमको ये सवाल हम सिखाते हैं। चलो बताओ, रणजीत सिंह जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहली जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था। सवाल में कहा जा रहा है कि इनको कोहिनूर किसने दिया था, तो आंसर होगा यहाँ पे दुरानी के द्वारा इनको कोहिनूर दिया गया था। अगला सवाल कहा जा रहा है कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी आपको याद होगा कि कुषाण डायनेस्टी के रूलर जो थे उन्होंने चौथी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया था। टीवी टीवी गूगल किए हो चलो तो वो कौन थे? वो थे कनिष्क। सबसे पहले अगर देखा जाए अजातशत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 लोग थे जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया था। अगला सवाल कश्मीरी नेम ऑफ द रिवर झेलम, कश्मीर के अंदर झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? झेलम नदी जो है इसी के किनारे आपको श्रीनगर की लोकेशन मिलती है और जम्मू एंड कश्मीर की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर भी यही है। कश्मीर की बात आई है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सैफ्रॉन पाया जाता है, और अगर हम सैफ्रॉन की बात करें तो इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन अब 2 और जगह हैं जहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। कौन कौन सी जगह हैं? पहला तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन सा है? मेघालय, ठीक है, कल पढ़ाया था मैंने। चलो इसका आंसर क्या होगा? वेत है। अगला सतलज नदी कहाँ पर लोकेटेड है? सुनिए, सतलज नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है ये राकास लेक से होता है, जो कि तिब्बत के पठार वाले एरिया में मिलेगा। इंडिया में जब एंट्री मांगता है तो ये शिपकिला दर्रे से एंट्री लेती है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। आगे ये कहाँ जाती है? आगे ये जाती है इंदिरा सागर कैनाल में, और वहां पे जाके ये ब्यास के साथ में मिलके क्या करती है? वाटर प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, अगला डल लेक कहाँ पर लोकेटेड है? ऑब्वियसली बात है कि जब हम डल लेक की बात करेंगे श्रीनगर में है, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ था? हाउस बोट फेस्टिवल का आयोजन किया गया,
और फ्लोटिंग एटीएम जो है उसको भी यहीं पर इंस्टॉल किया गया था। अगला, वुलर लेक का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या होगा? महापद्मेश्वर इसका दूसरा नाम है। इंडिया की सबसे बड़ी और फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपको कौन सी देखने को मिलेगी? यही वाली मिलती है। नेक्स्ट, दचिगम नेशनल पार्क किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो दचिगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये किससे जुड़ा है? सुनो, दचिगम वही नेशनल पार्क है जहाँ पे हंगुल पाए जाते हैं। ये सवाल यूपीपीएससी पूछ चुका है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। पहले हमीज नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये लद्दाख का पार्ट हो चुका है। इस पॉइंट पे कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? आइए भैया अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। सुनना, हिडन करेक्ट है, हाँ जी सुनिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कोई बात नहीं, सुनिएगा। आधार कार्ड ऑफ द हस्बैंड इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा बोला गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर, और ये अनाउंसमेंट किया गया है आपके सामने पर्सनालिटी स्मृति ईरानी जी। हाँ जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, स्मृति ईरानी जी की जो किताब है उसका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आप सुनिएगा ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही है, वंदे भारत एक्सप्रेस, बिल्कुल सही। सुनो, कहा जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये हमारे देश के अंदर कब लागू किया गया? तो 2013 में इसको लागू किया गया। जब आपको याद होगा रामविलास पासवान जी हुआ करते थे हमारे देश के अंदर, अभी तो उनकी डेथ हो गई है ना, तो उन्होंने एक योजना लॉन्च करी थी वन नेशन, अगर आपको ये याद हो, वन नेशन, क्लास में आए होगे तो याद होगा, वन राशन कार्ड, ठीक है? आई होप कि आपको ये याद होगा। ये वाली जो योजना लॉन्च करी थी, ये लॉन्च करी गई थी किसके द्वारा? रामविलास पासवान जी के द्वारा, चिराग जी के पप्पा जी, ठीक है? और इस योजना को भी लॉन्च किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इसमें क्या किया गया था? इसमें कहा गया था कि आधार कार्ड इज मैंडेटरी, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है उसको क्या किया जाएगा? आधार कार्ड के साथ में जोड़ दिया जाएगा। और अब अगर हम देखें तो ये योजना टोटल 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी सब मिला के कितने 35 ऐसी जगह हैं जहां पे इसको लागू कर दिया गया है। 35th नंबर की अगर मैं आपसे जगह की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी? छत्तीसगढ़ है। वो क्या है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया था आधार कार्ड इज मैंडेटरी। अगर आपके पास में वो आधार कार्ड होगा तो आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको क्या मिलेगा? पीडीएस सिस्टम के अंदर जो अनाज आपको दिया जाता है वो दिया जाएगा। अब उसी तरीके से इसी योजना के अंदर आती है एक और योजना जिसका नाम है मातृ वंदना योजना। मातृ वंदना योजना वही योजना है जिसके अंदर सबसे अच्छा काम जो है वो किसने किया था? एमपी ने किया था। स्मृति ईरानी जी की अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो ये हो जाएगी अमेठी, और इनकी जो किताब है उसका नाम क्या है? लाल सलाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए आइए जरा जानते हैं कि इस योजना के अंदर क्या है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, मातृ वंदना योजना। ये योजना दो चीजों के ऊपर काम करती है। पहला, अगर कोई भी लैक्टेटिंग विमेन है या फिर अगर कोई भी प्रेग्नेंट विमेन है तो उसको जो खाना प्रोवाइड किया जाएगा उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। दूसरी बात बोली गई है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट विमेन है तो उसको वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक्चुअल में उसको चाहिए, किससे? खाने से, ठीक है? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया मातृ वंदना योजना, लेकिन इसी के अंदर एक और चीज रखी गई। कहा गया कि मातृ वंदना योजना के अंदर जो भी प्रेग्नेंट वेमेन्स हैं उनको कितना रुपए दिया जाएगा? 5,000 रुपए दिया जाएगा। पहले ये प्राइस कितना हुआ करता था? पहले ये अमाउंट 6,000 हुआ करता था। बताओ, इसमें भी कटौती हो गई तो अब कितना है? 5,000 रुपए है, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, एक साथ नहीं दिया जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। कब कब दिया जाएगा? पहला, अगर मान लो कि कोई भी फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, सबसे पहले मान लीजिए कि उसने रजिस्ट्रेशन कराया किसी भी हॉस्पिटल में जाके कि वो पर्सन जो है वो प्रेग्नेंट है और वो अपना ट्रीटमेंट वहीं के हॉस्पिटल में कराना चाहती है, तो पहला इंस्टॉलमेंट तो तब मिलेगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट उनको तब मिलेगा जब वो जाएंगी चेकअप के लिए, और तीसरा इंस्टॉलमेंट उनको तब मिलेगा जब उनको क्या बेबी हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो महिलाओं को दिया जाता है। एक बॉम्ब सवाल, मेरा सवाल ये है कि मान लो जैसे कि हमारे यूपी के अंदर है, हमारे यूपी में 2 child policy है, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई फीमेल है जिसके 3 बच्चे हैं, तो क्या कहते हो, तो क्या वहां पर ये योजना लागू होगी? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। तन्मय,
अच्छा, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ तो क्या ये योजना लागू होगी। अब इस योजना में क्या कहा गया, अब इस योजना में कहा गया कि अगर मान लीजिए कि कोई भी सिंगल विमेन है, यानी कि अगर उनके हस्बैंड नहीं है तो भी उनको इस योजना के अंदर ये लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको वो लाभ ना दिया जाए। अब उनके हस्बैंड का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, और ये लॉन्च किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। तो मैम ये स्कीम कब आई, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 31st of December 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। हाँ भैया, लागू होगा कंडीशन अप्लाइड। पहली चीज तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो ही बच्चों के लिए है। पहला वाला तो मैंने आपको कहानी बता दी, लेकिन दूसरा वाला भी तब अप्लाई होगा। ये 5,000 रुपये आपको तब दिए जाएंगे अगर वो गर्ल चाइल्ड है। ये था बॉम्ब क्वेश्चन नंबर 2। अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो ही यहाँ पर आपको दोबारा में 5,000 रुपये मिलेंगे, वरना ना मिलेगा बेटा। पहली बार में ही सिर्फ यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आइए ज़रा चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से क्या क्या सवाल है। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर कि अभी हाल ही में यहाँ पे सारी की सारी स्कीम्स वो हैं जो यहाँ पे सरकारों ने लॉन्च करी स्पेशली फॉर द विमेन्स, ठीक है। सुनिए, कहा जा रहा है कि ओर्नो दियो स्कीम, ये अभी हाल ही में विमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से राज्य ने स्टार्ट करी, आसाम के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। आसाम वही राज्य है जहाँ पे टोटल अब आपको 7 राष्ट्र उद्यान देखने को मिलते हैं। स्त्री, ओ स्त्री, कल आना, स्त्री प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये हैदराबाद की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया ताकि विमेंस की सिक्योरिटी करी जा सके। अगला सुनो, कहा जा रहा है 7 इनिशिएटिव, ये भी लॉन्च किया गया, ये भी विमेंस के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि ये बताइए ये कहां पर, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया। मिशन वत्सल्य या फिर शक्ति एक्ट, मिशन वत्सल्य या शक्ति एक्ट, ये कहां लॉन्च किया गया, ये महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला सवाल, पिंक प्रोटेक्शन, ये विमेंस की सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया था, कहां पर, केरला के अंदर इसको लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखा करो इन सब स्कीम्स को, पेपर में सवाल बहुत ज्यादा। क्लास के लिंक को एक बार इसे शेयर और लाइक करोगे, इतना ही तो मोटिवेशन मांगते हैं यार तुमसे, हां? चलो अगला सुनो, कहा जा रहा है कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेग्नेंट वेमेन्स के लिए केरला में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, उसका नाम बनेगा मातृ कवचम। अगला, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया, कहाँ पर, यूपी के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए मिशन शक्ति सबसे पहली बार कौन से राज्य में लॉन्च किया गया, तो मिशन शक्ति सबसे पहली बार कहाँ आया, यूपी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, समझ गए? चलिए, अच्छा बेटा पीडीएफ वीडीएफ क्लास के आखिरी में बताएंगे, अक्षय कुमार आ गए, अक्षय कुमार के बारे में पढ़ाई कर लो पहले, ठीक है। ओए होए, अक्के भैया आ गए हमारे, हमारा नेता कैसा हो, पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। आइए जरा इनके बारे में बात करें, सुनिएगा। हुआ क्या है, अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जिनका नाम है अक्षय कुमार, इनको एक राज्य के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स पढ़ाए हैं, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर किया गया है। आपने मोहित चौहान का नाम सुना होगा, आपने AR रहमान का नाम सुना होगा, तो मोहित चौहान का अपॉइंटमेंट एज अ एम्बेसडर किया गया था अरुणाचल देश के अंदर। और अगर हम AR रहमान की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया था सिक्किम के अंदर, ठीक है। आइए जरा चलते हैं, कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं। लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला, भाई साहब ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन खुद इनकी है, समझ रहे हो। लाखों मिले कोई तुमसा ना मिला, भाई साहब इसी हफ्ते में ये सब चीजें होनी थी, हैं? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यू हैव टू लर्न। ये आप देख सकते हैं पंजाब केसरी का आर्टिकल, आप सुनो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ है भैया, सिंपल सी बात है। उत्तराखंड की जो सरकार है यहाँ पर अभी हाल ही में नए वाले CM बने थे जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी हाल ही में जो यहाँ पे गवर्नर बने हैं उनका नाम आप मुझे लिख के बताओ। अब हुआ क्या, यहाँ पे जो यूथ है उनको मोटिवेट करने के लिए अक्की भैया को एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया। बट क्यों, वाई ओनली अक्की भैया? अक्की भैया को इसलिए चुना गया क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग यहाँ पे करी है, और इनकी आने वाली एक एक्शन मूवी है जिसकी शूटिंग जो है वो भी वो यहीं पर कर रहे हैं, और वो भी कहाँ पे, राम सेतु पर।
कहाँ पर? राम सेतु पर। तो उन्होंने सोचा कि जब आप हमारे यहाँ पे आ ही गए हैं तो रुक ही जाइए, है ना। संजय दत्त अभी बात कर रहे हैं, गुरमीत सिंह, बिल्कुल सही। क्या नाम है? गुरमीत सिंह इज द नेम, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए। तो ये तो देखो बात हो गई, लेकिन ये जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये यूथ के वेलफेयर के लिए किया गया। अच्छा मैम, अब और अपॉइंटमेंट जल्दी जल्दी एक बार से बताओ। देखो अभी हाल ही में क्या हुआ था, संजय दत्त जी को अपॉइंट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कौन है? ये हैं श्री जेज, ये वही खिलाड़ी हैं जिनको अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। और ये दूसरे खिलाड़ी हैं, पहली कौन है? पहली है रानी रामपाल। खेल कौन सा है? हॉकी खेल है। और ये केरला से बिलोंग करते हैं। केरला के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीजेश को अपॉइंट किया गया था। अगला नाम सुनिएगा, ये कौन है? ये है एक म्यूजिशियन, एक सिंगर, जिनको अभी हाल ही में आसाम की सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और अब ये बंधन बैंक के अंदर भी एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। इनका नाम क्या हो जाएगा? जुबेन गर्ग। ये सवाल आपका पेपर पूछ चुका है, क्या नाम है? जुबेन गर्ग। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला नाम क्या है? मैरी कॉम। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो वंदना कटारिया थी उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उत्तराखंड के अंदर अपॉइंट किया गया था। उसी के बाद में जो एमवे है, एमवे ने मैरी कॉम को अपॉइंट किया। और इन्हीं के साथ में अभिषेक बच्चन जी को भी अपॉइंट किया। किसने? एमवे ने, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला ये कौन है? ओए होए, घूम घूम के बुमरो बुमरो वाला गाना है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये कौन है? ये हैं जसप्रीत बुमरा। अभी हाल ही में वन प्लस ब्रांड के अंदर इनको एज अ एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, ओहो भाई साहब, ये तो क्यूटी पाई है ना। सुनिए ये कौन है? आप सभी लोग जानते हैं ऋषभ पंत। और ये अभी हाल ही में JSW स्टील के अंदर एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। वेरी फेमस नेम। और इनका नाम आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये अभी हाल ही में यंगेस्ट कैप्टन के रूप में भी आपको देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज, कहा जा रहा है स्वराज एबिलिटी, ये क्या है? देखिए स्वराज एबिलिटी जो है लॉरेंस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुआ है नीरज चोपड़ा का, बिल्कुल सही है। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए CM अपॉइंट किया गया था, बिल्कुल सही है। बहुत लाजवाब, वो तो कभी माय जॉब, ये किताब जल्दी आएगी। चलिए आइए जरा जानते हैं, लिखा हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी वाली है जिन्होंने अभी हाल ही में एक पोर्टल को डेवलप किया है। और वो जो पोर्टल है उसका नाम है स्वराज एबिलिटी। ये जॉब प्रोवाइड करेगा, सबसे पहली बात तो ये जॉब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा बताओ? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे यहाँ पे दो ऑप्शन, ये कौन लॉन्च करेगा बताइए? तो इसको लॉन्च किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। क्या है? आइए जरा जानते हैं इसके बारे में। देखिए एक्चुअल में क्या है कि स्वराज एबिलिटी जो है IIT हैदराबाद ने एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के द्वारा क्या होगा, हमारे देश के अंदर जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी दिव्यांग जन हैं, उन लोगों के लिए इस पोर्टल को स्पेशली बनाया गया है। इस पे क्या होगा, इस पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे, है ना, तो सबसे पहले तो आपके डिग्री के हिसाब से आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद में आप जिस भी जॉब के लिए रिलेवेंट हैं या फिर जो भी जॉब आपको सूट कर रहा है उसके ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे घर पे बैठे बैठे। पॉइंट टू बी नोटेड, घर पे बैठे बैठे। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, डिसेबल्ड के लिए लॉन्च किया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको यहाँ पे अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। अब आप कहेंगे कि मैम कौन से वाले प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है यूथ फॉर जॉब। कौन सा प्रोग्राम है? यूथ फॉर जॉब, इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया। अच्छा ठीक है, तो मैम अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये किसने लॉन्च किया, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ जरा बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट IITs की, ठीक है। देखो इम्पॉर्टेंट सुरजीत, करेक्ट है। हम अपनी बुक क्यों नहीं लॉन्च करते, क्या करना है? देखो मेरे हिसाब से क्या है ना, अगर आप अपनी खुद की बुक बना रहे हैं,
यानी कि अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, तुम्हारे नोट्स एक तरफ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कितनी भी किताबें क्यों ना खरीद लो, अभी बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी का नाम अभी आएगा, कितनी भी किताबें क्यों ना खरीद लो, पढ़ते हम वही हैं जो हमने खुद से लिखा है। तो सबसे अच्छा ज्ञान आपको वहीं से मिलता है। आइए बात करते हैं कुछ आईआईटीज के बारे में। देखिए आईआईटी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है, आईआईटी खड़गपुर, जिसने अभी हाल ही में एग्रीकल्चर के फील्ड में काफी अच्छा काम किया है। दूसरा सुनिएगा, अभी हाल ही में आईआईटी धनबाद, याद आ रही है वो कर्नाटका वाली, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया था, इन्होंने कुछ सेंटर्स जो हैं उसको डेवलप करने के लिए बोला है। और कौन से सेंटर्स होंगे ये, ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन सेंटर। क्या होगा, ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन सेंटर है जिसको लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, आईआईटी हैदराबाद जो है इसने तो ये भी बोला है कि हम अपने यहाँ पर अपने ही सेंटर के अंदर क्या करेंगे, एक सुजुकी का नाम आपने सुना ही होगा, है ना, सुजुकी का एक सेंटर खोलेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, लोगों को स्किल देने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कितना यहाँ पे इफेक्टिव होता है, कितना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर हम अगले की बात करें तो यहाँ पे जो अगला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कौन सा होगा, अगला है यहाँ पर हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो वो कौन है, जितेंद्र सिंह जी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने बोला था कि जो हमारे यहाँ पे अटल इनोवेशन प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, अटल इनोवेशन प्रोग्राम, इस इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर अभी काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर लॉन्च किए गए। तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है, वन लाइनर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। 3D हाउस IIT मद्रास ने बनाया था, बिल्कुल सही है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो जानते हैं भैया क्या है, सुनिए। अभी हाल ही में पूछा जा रहा है कि ये बताइए, रिसेंटली इंडियन ऑयल के अंदर डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका नाम है शुक्ला मिस्त्री। कौन है, शुक्ला मिस्त्री। अच्छा, कुछ खास है क्या मैम, हाँ खास है, तभी तो बता रहे हैं। सुनो, शुक्ला मिस्त्री, शी इज द फर्स्ट वुमेन, ये सबसे पहली महिला है जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है इंडियन ऑयल के अंदर। ओ अच्छा, तो इंडियन ऑयल जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन ऑयल काम क्या करता है, हमारे देश के अंदर जितना भी पेट्रोलियम है, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको कंजर्व करने का काम किया जाता है इंडियन ऑयल के द्वारा। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये दिल्ली में है, लेकिन इसकी जो एक यूनिट है वो आपको चेन्नई के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब इसके अंदर नए मैनेजर का अपॉइंटमेंट किया गया है जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। ओके फाइन, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि जो इंडियन ऑयल है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, तो ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। अगर मैं तुमसे कहूँ बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे हाई नाम की जो जगह है इसको हमेशा याद रखिएगा, ये आपको मिलेगी अरब सागर में, जहाँ पर क्या होता है, हमारे देश का जो कच्चा तेल है, जो क्रूड ऑयल है, उसको यहाँ पर रिजर्व करके रखा जाता है। अगर मैंने तुमसे ये कह दिया कि अच्छा ये बताओ कि अभी हाल ही में ये जो इंडियन ऑयल है इन्होंने अपनी नई यूनिट लगाने के लिए भी बोला है, कहां पर लगाएंगे, तेलंगाना के अंदर ये अपनी नई यूनिट को एस्टैब्लिश करेंगे। तो वन लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पे शुक्ला मिस्त्री के बारे में कि शी इज द फर्स्ट वुमेन जिनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के अंदर किया गया। ठीक है, अब सुनो, अपॉइंटमेंट की बात आई है तो एक बात यहां पे और आपको बता दें, तब आगे चलेंगे। सुनिएगा, NCERT फुल फॉर्म बता पाएगा कोई, एनीवन, कोई भी क्या एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता पाएगा, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। सेल, बिल्कुल सही है, सोमा मुंडाल। हाँ जी, एनसीईआरटी जो है ना, इसके अंदर क्या हुआ है, अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है, और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये किसका हुआ है, दिनेश जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। अब आप कहेंगे दिनेश जी, दिनेश प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट किया गया है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी को हम क्या कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। ये वो किताबें होती हैं जो हमारे घरों के अंदर हमारी अलमारियों की शोभा को बढ़ाती हैं, ठीक है ना, हमारी अलमारियों की शोभा को बढ़ाती है वही वाली किताबें। चलिए आइए जरा बात करते हैं, पहला लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं AEPC, ये क्या है, अप्रैल एक्सपोर्ट बोर्ड। इसके नए चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए गए उनका नाम क्या है, नरेंद्र कुमार गोयनका जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया। जब बता लिए थे
आफ्ताब, जयश्री, प्रज्ञा, वेरी नाइस। चलिए अगला, कहाँ जा रहा है इसरो के अंदर अभी 10th नंबर के जो चीफ अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एस सोमनाथ जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला कहाँ जा रहा है, DRDL के अंदर रिसेंटली नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है GA श्रीवासा मूर्ति। अगला, बैंकरप्सी बोर्ड, कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में कि जो बैंकरप्सी बोर्ड है इसके लिए कानून बनाया गया था, एक स्टैचुरी बॉडी है, 2016 में आई थी। इसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए? रवि मित्तल जी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। वैसे तो अगर देखो JNU जो है, जो कि बहुत ही जानी मानी आप जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, इसके अंदर भी अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन बनाई गई हैं जिनका नाम क्या है, वैसे आएगा नहीं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी बता दे रहे हैं कि अगर कोई कभी कहीं पूछ ले तो ये ध्यान रखिएगा, शांतिश्री। कौन है? शांतिश्री, ठीक है। तो ये वाइस चांसलर अभी हाल ही में अपॉइंट करी गई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? ये कैग नहीं है, ये कैग नहीं है, सोनाली सिंह इज द राइट आंसर। JNU की अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, नया अपॉइंटमेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो UGC के अंदर अपॉइंट किए गए हैं। अब क्या नाम है? जगदीश कुमार जी। और मैंने अभी आपको JNU के बारे में बताया, ये जगह खाली हो गई ना, जो यहाँ पे थे वो अब आ गए यहाँ पर, तो ये जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे कौन आ गई? यहाँ पे आ जाएंगी शांति श्री पंडित जी। ओके चलो, राज उत्सव, इसके बाद में चलेंगे स्पोर्ट्स की न्यूज की तरफ जो कि है जयपुर से। बताइए न्यूज कहा जा रहा है कि ये बताओ इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में ये बोला है कि जब उनके यहाँ पर राज्य उत्सव होगा तो वहां पर अवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, अवार्ड्स दिए ही नहीं जाएंगे मैम, आइए जरा बात करते हैं। ये है कर्नाटका। ये कौन सा है? कर्नाटका। पूजा, ITBP इंद्रजीत, करेक्ट है। सुनिए, राज्य उत्सव किसका? कर्नाटका का। कब के लिए? 2023 के लिए। हुआ क्या है, इस पूरी न्यूज को हम आपको समझाते हैं। देखिए, आप सबको याद होगा कि अभी मैंने कल भी कर्नाटका के बारे में आपको बताया था जहाँ पे हिजाब पहनने के ऊपर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है, ठीक है। अब सुनो, कर्नाटका जो है ये अपना फाउंडेशन डे मनाता है 1st of November को, 1956 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब जब इसकी स्थापना होती है उसी दिन पर क्या होता है, उसी दिन पर राज उत्सव मनाया जाता है, और ये राज उत्सव जब होता है तो यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, और ये जो अवार्ड्स होते हैं ये साइंस के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, बहुत सारे फील्ड्स में दिए जाते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 66 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। सवाल, उस फिल्म एक्टर का नाम बताइए जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी और उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाँ, जिनको यहाँ पे क्या किया था, सम्मानित किया गया था, फटाफट से आंसर करके बताइए। अच्छा ठीक है, तो अब कर्नाटका की सरकार ने क्या बोला है? कर्नाटका की जो सरकार है वहाँ पे जो CM है वो है बोमाई अंकल, और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, वो हो जाएंगे थावरचंद गहलोत जी। इन्होंने बोला है कि अब इस बार जो एप्लीकेशंस होते हैं, पुनीत राजपूत है, राजकुमार, पुनीत कुमार, पुनीत राजकुमार, क्या नाम था उनका, पुनीत राजकुमार, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा ठीक है, अब यहाँ की सरकार ने बोला है कि हर साल हम क्या करते थे, हर साल जब हम अवार्ड देते थे तो लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म को हम एक्सेप्ट करते थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? इन्होंने एक पैनल बना दिया, इन्होंने क्या कर दिया है, अब एक पैनल बना दिया है, एक ग्रुप बना दिया, एक संगठन बना दिया है। वो संगठन क्या करेगा, वो संगठन अब यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये अवार्ड किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो इस अवार्ड में प्राइज मनी कितना है, 1,00,000 रुपए इसमें प्राइज मनी दिया जाता है, और गोल्ड का मेडल जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ? कर्नाटका के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये बताइए, कर्नाटका की जब बात आई है तो कर्नाटका के अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं और कौन कौन से राज्य हैं जिनका फॉर्मेशन 1st of November को होता है? सबसे पहला नाम यहाँ पर आएगा किसका, तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो आपको हर जगह मिल जाता है ना। उसके बाद में कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, फिर कौन आएगा, केरला आएगा, उसके बाद में कौन है,
कर्नाटका, और भी हैं बट ये तीन चार आपको हमेशा याद रखने हैं। अगला सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ होशाला डायनेस्टी, होशाला डायनेस्टी की बात करी जाए तो ये वो जगह है जहाँ के तीन मंदिर अभी हाल ही में यूनेस्को के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। अगला क्या है, कर्नाटका में हम्पी नाम की आपको जगह मिलेगी जो कि तुंग भद्रा नदी के किनारे पर है, 50 रुपये के नोट के ऊपर है और ये यूनेस्को की साइट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट सुनो, कर्नाटका जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए, 31 हो गए हैं, और यहीं पर बेलोर नाम की जगह भी है जिसके ऊपर विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटका के अंदर ही आपको मिलेगा अलमाती डैम। ये जो अलमाती डैम है ये कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर एक विवाद भी है, लेकिन वो जो विवाद है वो इनका किसके साथ में है, तमिलनाडु के साथ में। किसके साथ में, तमिलनाडु। कौन सी वाली नदी हो जाएगी, काबिनी नदी। कौन सी, काबिनी नदी, और ये काबिनी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटका में जब एंट्री मारी लिए हो तो यश गंग, ये क्या है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यही अगर पूछा जाए ढोलू कुनिथा, तो ढोलू कुनिथा जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ का फोक डांस है, लोक नृत्य है। समझ गए, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, 1% रिजर्वेशन फॉर द ट्रांस जेंडर, ये तो आपको मालूम ही है। समझ गए, अब सुनो, कलिंगा अवार्ड कौन देता है, ओडिशा सरकार देती है। अगर तुमसे कहा जाए कि ये बताओ कि अभी हाल ही में तानसेन समारोह में तानसेन अवार्ड कौन से स्टेट ने दिया, एमपी के द्वारा दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड कौन सा स्टेट देता है, महाराष्ट्र के द्वारा। अच्छा, आपको ये पता चला, लता मंगेशकर जी के नाम पर अब एक स्टैंप जारी किया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए जरा जानते, ओए होए मैम, यही तो थी आज की सबसे ग्रेट न्यूज़। जयपुर के अंदर बनाया जाएगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। चलिए आ जाओ भाई, मारो राजस्थान वालों। सुनिए, सवाल में कहा जा रहा है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है इसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई है। मैंगलोर, करेक्ट है। इसका आंसर बनेगा सौरव गांगुली। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, जयपुर के अंदर क्या किया जाएगा, जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं राजस्थान में, ये वो जगह है जहां पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, कहाँ का, वर्ल्ड का, और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा, किसका, इंडिया का, ये डेवलप किया जाएगा। अच्छा, तो मैम यहाँ पे पहले तो हमको यही बता दो कि अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े की हम बात करेंगे तो कौन सा वाला है। अरे ये वही वाला है भाई, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। ये सबसे लार्जेस्ट है। आप कहेंगे कि फिर दूसरे नंबर पर कौन सा वाला आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा मेलबर्न। कौन सा आएगा, मेलबर्न, ठीक है। अब सुनो, इसके ऊपर कोई दूसरा डेटा गूगल करके मत लाना, क्योंकि ये जो डेटा है ये आपको मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वर्ल्ड का पहला है, ये वर्ल्ड का दूसरा है और ये वर्ल्ड का तीसरा बनने जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ, इंडिया का पहला ये हो गया, इंडिया का दूसरा ये हो गया, तो मैम कैपेसिटी कितनी है। देखो इसकी जो कैपेसिटी है ना, दैट इज 75,000। कितनी कैपेसिटी है, 75,000 इसकी कैपेसिटी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम सबसे लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ की कैपेसिटी करीबन आपको इतनी देखने को मिलती है। अच्छा, मेलबर्न वाला समझ गए ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब हुआ क्या, राजस्थान के सीएम यानी कि अशोक गहलोत जी और बीसीसीआई के अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, सौरव गांगुली, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। मारो राजस्थान और मारो जयपुर भी आ गया, सही कह रहे हो। तो यहाँ पर दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है अभी आ रहा है, उसके ऊपर आगे सवाल आ रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। आइए जरा बात करते हैं आगे कुछ स्टेडियम्स के बारे में। सुनिए, पहला है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपको उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। अगला, सवाई मानसिंह स्टेडियम
जयपुर का है और ये जो अभी बनने जा रहा है ये जयपुर का दूसरा स्टेडियम होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, राजस्थान। अगला, मोहाली क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है? तो ऑब्वियस सी बात है मोहाली पंजाब के अंदर है, तो पंजाब में होगा। नेक्स्ट है, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ये क्या है? ये भी एक तरीके से पूरा स्टेडियम बनाया गया है जहाँ पे फॉर्मूला 2 की रेसेस वगैरह भी होती हैं। ये नोएडा के एरिया में आपको मिलेगा, यूपी में। और जब फॉर्मूला 2 की बात आएगी तो दारू वाले के बारे में भी बात करनी पड़ती है। अगला सुनिए, कहा जा रहा है चिदंबरम स्टेडियम। एक तो है चिन्ना स्वामी, है ना, एक है चिन्ना स्वामी और एक है चिदंबरम। तो अगर हम चिदंबरम की बात करें तमिलनाडु, चिन्ना स्वामी की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। अगला, सर विवियन रिचर्ड्स, ये वही स्टेडियम है जहां पे अंडर 19 के जो मैचेस हैं वो खेले गए और टीम इंडिया ने चौथी बार इसको जीता है। तो ये कहां पर आपको मिलेगा, कल मैंने आपको पढ़ाया था, एंटीगुआ के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये कहाँ है भाई, ये है हमारे लखनऊ के अंदर, तुमको मैंने ये घुमाया भी था। ये वो जगह है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम बदला गया। और ये पर्टिकुलर स्टेडियम कौन सी टीम को डेडिकेटेड है, अफगानिस्तान की टीम को डेडिकेटेड है। और राशिद खान का नाम मत भूलना, ठीक है, राशिद खान फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट। तो ये था अपना आज का सेशन, ये है आपका होमवर्क। और जो बच्चे ऐसे हैं जो तब से परेशान हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बेटा क्लास के समय पर कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया करो। तुमको यहाँ चीज़ें नई पढ़ाने के साथ साथ रिविजन भी कराते हैं, क्योंकि कोई इतना बड़ा सरताज, कोई इतना बड़ा हीरो नहीं है कि एक बार पढ़ के उसकी कहानी सेट हो जाए, ठीक है। तो हम खुद ही बताएंगे क्लास के आखिरी में कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ और हर क्लास का लिंक आपको मिलता है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है कृति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल। आप इस पे जाइए, इस पे आपको सारे के सारे पीडीएफ्स, सारे के सारे क्लास के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम खुद ही बता देते हैं, बेकार में तुम लोग परेशान होते रहते हो क्लास के बीच में। खैर कोई ना, ये होमवर्क कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। और अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे, 10:15 बजे। मज़ा तो आ रहा है ना, हिटलर की एंट्री हो गई है, अब हिटलर आ गया है तो यहाँ पे हड़कंप मचेगा, समझ गए। 10:15 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। सेकेंडली, अच्छा नया पेड बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, पॉलिटी तो चल ही रहा है लेकिन नया बैच भी आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है 10 फरवरी से। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया चुरू तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक सेकेंड, जहांगीर अहमद, मेरी राइटिंग गंदी है, कैसन बात कर रहे हो, बचपन में राइटिंग के लिए हमको एक अवार्ड मिला था, समझ रहे हो, बचपन में, बचपन का प्यार कहाँ भूलोगे तुम। खैर पॉइंट पे आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे 10th of Feb से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट, लाइव टेस्ट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती है विद स्टडी प्लानर। यहाँ पर आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे टॉप एजुकेटर्स को मिलेंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी के किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशी, रोटी वाला टॉपिक एक बार फिर से बताना है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर आइकॉनिक फीचर, आज का डाउट, टेस्ट सीरीज और साथ में रेज योर हैंड का ऑप्शन मिलेगा जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे। ये बैच आपके हर एक एग्जाम के लिए, अगर आपको बेसिक पढ़नी है तो डेफिनेटली आपको इस बैच के साथ में जाना है। अगर आप 1 साल 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो कोड अप्लाई होगा दैट विल बी प्रति 10, और इसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे करना है। ये जो अमाउंट्स हैं ये 10% कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अभी एक कुछ ऑफर चल रहा था, अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो आपको 3 महीने का यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा। और ये टेस्ट आपका हो चुका है, और अगला वाला जो ग्रेट कॉम्बैक्ट होना है वो कब होगा, वो ग्रेट कॉम्बैक्ट आपके लिए कंडक्ट किया जाएगा 20 तारीख को, तो उसे मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, 10:15 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रौनक, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।